हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साहिल मार्क में। तो गाइस, आज की वीडियो में फिर लेके आया हूँ डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस के बारे में। भले आपका नेम, जेंडर या डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गया है, तो मैं हफ्ते में एक बार एक मतलब वीडियो लाता ही रहता हूँ कि सारा प्रोसेस बताता हूँ जो लिमिट क्रॉस का प्रोसेस है, वो भी बिना पैसे का। वो मैं आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ जो UDI के गाइडलाइंस के नियम के अनुसार है। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। अगर आप ये प्रोसेस सारा फॉलो करते हो तो आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस प्रोसेस 90 दिनों के अंदर में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और बहुत लोगों का हुआ है, और जितने लोगों का मतलब अर्जेंट है तो उन लोगों के लिए तो मैं बताया हूँ कि अर्जेंट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपना नंबर या इस वीडियो के लिंक में अपना नंबर दे दूँगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं जितने लोगों का अपडेट कराया हूँ अर्जेंट में, ठीक है, 3 से 4 दिन के अंदर में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, उनका हिस्ट्री मतलब पूरा स्टोरी लगाता हूँ, और जितने लोगों का अपडेट हुआ है आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ, एक प्रूफ के तहत। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, मैं आपको जो प्रोसेस बताने वाला हूँ वो एकदम फ्री का प्रोसेस है, उसमें कोई भी पैसा लगने वाला नहीं है। ठीक है गाइज, तो चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। एक अपडेट आया जो जैसे डेट ऑफ बर्थ का और नेम का हो गया, ठीक है, जेंडर का हो गया, ये लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम जो है ना, मतलब लोगों को जीना हराम कर दिया है। तो इसलिए मैं इस ये शुरू से ही इस पे आधार से जुड़े हुए हर वीडियो का, हर आप लोगों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है यहाँ पे। रीजनल ऑफिस कहाँ है, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें, सारी वीडियो हैं। आप लोग अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए और आधार में जाके आप लोग सारा वीडियो देख सकते हैं। नहीं लगने वाला हो है अगर आपके पास, ठीक है, आपके पास टाइम है तो आप ये प्रोसेस करके अपना 90 दिनों के अंदर में अपना आधार कार्ड लिमिट क्रॉस अपडेट करा सकते हो। ठीक है, वो भी बिना चार्ज के। तो ठीक है, अगर मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट कौन सा लगाना है आपको। ठीक है, देखो, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, मार्कशीट है तो भी ठीक है, दोनों में से किसी एक पे भी हो जाएगा। मगर इसका भी एक रूल है, जैसे आपने पहले अपडेट कराया होगा DOB का, तो उसमें जैसे आपने बर्थ सर्टिफिकेट लगा दिया था, ठीक है, और आप फिर से दोबारा जब करा रहे हैं तो लिमिट क्रॉस हो गया है, तो इसको अपडेट कराने के लिए जैसे आपने पहले बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। ठीक है, तो आपको मार्कशीट लगाना है हाई स्कूल का। ठीक है, ये बात ध्यान से रखना, क्योंकि ये मैं एक आप लोगों को न्यू सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि पहले बर्थ सर्टिफिकेट से ही हो रहा था लेकिन अब मार्कशीट से भी हो रहा है। ठीक है, ये बहुत खुशखबरी है आप लोगों के लिए। तो अगर आपने पहले बर्थ सर्टिफिकेट से कराया है तो आपको इस बार जब आप दोबारा कराने जाओगे, ठीक है, इनरोलमेंट सेंटर पे, तो वहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट से कराना है। अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट से पहले कराया था अपडेट तो आपको मार्कशीट से अपडेट कराना है। ठीक है, ये समझ गए बात आप। दूसरी बात क्या है कि आपको ये सेल्फ डेकोरेशन फॉर्म का क्या काम है, ये कितने लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सर सेल्फ डेकोरेशन फॉर्म का कहाँ काम है, कैसे इसको लगाएंगे। तो कितने लोग गाइज ये कर रहे हैं कि सेल्फ डेकोरेशन फॉर्म को जब इनरोलमेंट पे बायोमेट्रिक कराने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे बोल रहे हैं अटैच करने के लिए अपडेट के समय, वहाँ पे आपको अपडेट नहीं कराना है। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि वीडियो ध्यान से देखा करो। ठीक है, तो देखो, जो सेल्फ डेकोरेशन फॉर्म है ना, उसका काम कहाँ है, जैसे आपने बायोमेट्रिक करा लिया, ठीक है, और आपको सेल्फ डेकोरेशन फॉर्म को भर के, ठीक है, आपको ईमेल के जरिए भेजना है रीजनल ऑफिस को। जैसे देखो, सेल्फ डेकोरेशन फॉर्म हो गया, अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट से कराते हो तो बर्थ सर्टिफिकेट, अगर मार्कशीट से कराते हो तो मार्कशीट, ठीक है, और आधार कार्ड अपना एक PDF बना के अटैच फाइल इसे अलग रख लेना है। जब आप बायोमेट्रिक करा लेते हैं, ठीक है, तो आपको मेल कर देना है रीजनल ऑफिस को। ठीक है, जब रीजनल ऑफिस को मेल कर देंगे तो कुछ दिन बाद आपको रिप्लाई आता है रीजनल ऑफिस के तरफ से, तो उसमें आपको सबके SID मिलता है। अब सबके SID कितने भी लोग ये भी नहीं जानते कि सबके SID क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबके SID एक कंप्लेन नंबर है जो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। जब आप ये रीजनल ऑफिस को मेल करते हैं, ठीक है, अटैच फाइल करा के लिमिट क्रॉस जब हो जाता है तो, ठीक है, बायोमेट्रिक के बाद मेल करना होता है, ठीक है, तो आपको सबके SID मिल जाता है। ठीक है गाइस, उसके बाद से सबके SID को
लेके क्या करना है हमें, सबके आईडी से क्या फ़ायदा है ये भी जान लीजिए। जब आपका सबके आईडी मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो आपका जो कंप्लेन आपने जो मेल किया है, सोचिए मतलब उसका रिप्लाई नहीं मिला तो फिर से आपको मेल करना पड़ेगा। अगर जिसका सबके आईडी नहीं मिला है तो उनको दोबारा मेल करना पड़ेगा, और जिसका सबके आईडी मिल गया है उनको क्या करना, साइट पे जाना है और सर्च करना है आधार कंप्लेन चेक स्टेटस, ठीक है। तो ये खुल जाएगा और अपना जो सबके आईडी का जो 14 अंकों का नंबर होता है, ठीक है, वो आपको वहाँ पे डाल के, जो सबके आईडी करके नीचे अंक दिया है आप देख सकते हो, वो डालना है। और आपका वहाँ पे अगर प्रॉब्लम सोल्व आता है, ठीक है, और कैप्चा फिल करना होता है, कैप्चा फिल करने के बाद अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम सोल्व जैसे स्टेटस आता है, ठीक है, तो आपका समझिए कि आपका कंप्लेन जो आपने किया है, बायोमेट्रिक कराया है और आपने मेल किया है, उसको कंप्लेन एक्सेप्ट कर लिया गया है कंप्लेन को, ठीक है। तो कुछ दिनों के मतलब कुछ दिन हो गया कि एक दो हफ्तों से मतलब जो प्रॉब्लम सोल्व वाला स्टेटस आता था चेक करने पे, लेकिन अब ये बंद दिखा रहा है, अब कुछ ऐसा इंटरफेस दिखा रहा है जिसे आप देख सकते हो क्लोज कर दिया गया है। इस मतलब चेक करने पे आपको ये स्टेटस दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है आप ये भी जान लीजिए। बहुत लोग पूछ रहे हैं सर इसका मतलब क्या हुआ, बताइए, पहले प्रॉब्लम सोल्व वाला था अब ये दिखा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहले प्रॉब्लम सोल्व दिखा रहा था वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते थे, ठीक है, UDI के साइड में, लेकिन अब UDI ने ये बंद कर दिया, आप 1947 पे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। और ये जब स्टेटस दिखा रहा है तो इससे घबराइए मत, कुछ होने वाला नहीं है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस 1947 पे कॉल करके कंप्लेन नंबर ले लेना है, आपका इनरोलमेंट आईडी है ये, आप बता देना, आपको कंप्लेन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको वेट करना है, वेट करने के बाद कुछ दिनों के बाद आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस का मैसेज आता है कि योर आधार इज अपडेटेड, ठीक है, तो आप एकदम खुश हो जाते हो, खुश हो जाते हो तो आप तुरंत जाते हो UDI की साइट में और चेक करने लगते हो कि मेरा अपडेट हो गया, ठीक है, और चेक करते हो तो देखते हो पुराना वाला ही शो कर रहा है। तो गाइज ये प्रॉब्लम सभी लोगों को आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने सारा प्रोसेस कर दिया है, ये प्रोसेस आ गया है तो आपका 90 दिनों के अंदर में अपडेट हो जाएगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है, ठीक है गाइस। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, और जिसको अभी अर्जेंट है जैसे एक हफ्ते के अंदर में कराना है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, अर्जेंट मैसेज कर सकते हैं कि सर मेरा अर्जेंट है और प्लीज़ हेल्प कीजिए, मैं उनका सारा हेल्प करूंगा और 7 दिन के अंदर में मैं अपडेट कराऊंगा उनका, ठीक है, और ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा और मैं अपडेट कराऊंगा, 7 दिन के अंदर में अपडेट करा दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको पैसा बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है, तो आप अगर आपके पास टाइम है, अगर आपने एडमिशन लेना है अभी उसके लिए टाइम है, तो आप ये सारा प्रोसेस फॉलो कर लो जो मैंने आपको बताया है, उसमें एक भी पैसा लगने वाला नहीं है और आपका 90 दिनों के अंदर में अपडेट हो जाता है, क्योंकि पहले देखो अपडेट हो जाता है, रिजेक्ट दिखाएगा फिर उसके बाद अपडेट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग 90 दिन वेट कर सकते हो, या आप लोग की इमरजेंसी है या अर्जेंट है जल्दी से, तो आप लोग उससे यार मैं हुई आप लोग का अपडेट कराने के लिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।